हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी अपन देखते हैं कि जो अपने राजस्थान में सीईटी 2022 है, जिसकी की विज्ञप्ति पहले जारी की गई थी, उसके एग्ज़ाम है वो आगे होने वाली है। उसमें जो सिलेबस है, मतलब उसका जो सिलेबस है कंप्यूटर का, उसके बारे में अपन विस्तार से देखते हैं। तो जो सीईटी है वो दो लेवल की और लिए हो रही है, पहला है ग्रेजुएशन और दूसरा ट्वेल्थ लेवल, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी लेवल, और एक है ग्रेजुएशन लेवल। दोनों लेवल में जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस है वो करेंगे, जो कंप्यूटर का सिलेबस है उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो सबसे पहला इन्होंने टॉपिक दिया है, जो सबसे पहला टॉपिक दिया है वह करेक्टर साइड्स ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर के बारे में सामान्य जानकारी के लिए दिया गया है। मतलब कंप्यूटर क्या होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या उसमें कमियां होती हैं, उसकी जनरेशन मतलब पीढ़ी क्या होती है, और उसका जो इतिहास क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर, इसमें कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सी क्रिया वो कौन से कंपोनेंट या पार्ट्स के द्वारा की जाती है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में आता है। अगला है रैम, रैम मतलब कि ये कंप्यूटर की मेमोरी का पार्ट है, मतलब मेमोरी वाले टॉपिक में आता है। रोम है, तो रोम भी मेमोरी वाले टॉपिक में आता है। उसके बाद जो अगला इन्होंने दिया है टॉपिक वो है फाइल सिस्टम, मतलब जो फाइलें होती है कंप्यूटर में, किस किस प्रकार की फाइलें होती है और उन फाइलों का एक्सटेंशन है वो क्या होता है, उसके बारे में। अगला जो टॉपिक दिया है उन्होंने वो दिया इनपुट डिवाइसेज। इनपुट डिवाइसेज का मतलब है कि जिस किसी भी उपकरण के द्वारा अपन कंप्यूटर में कोई भी सूचना डालते हैं या उसको इनपुट डिवाइस है वो बोला जाता है, तो इनपुट डिवाइस के बाद बारे में बताया गया है। उसके बाद में आउटपुट डिवाइस, मतलब जो आउटपुट डिवाइस के जिस डिवाइस के द्वारा अपन जो कंप्यूटर को सूचना देते हैं उसका जो वापस परिणाम आता है, उस परिणाम को दिखाने वाला जो उपकरण होता है उसका आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, जिसमें जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। और आउटपुट डिवाइस के बाद में जो अगला इन्होंने टॉपिक दिया है वो है एम एस ऑफिस में सबसे पहले दिया वर्ड, फिर एक्सेल या स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल उसी को स्प्रेडशीट बोलते हैं। उसके बाद में है पावर पॉइंट, तो इन तीनों के बारे में मतलब यहाँ पर पूछा गया है। पहला वर्ड, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट वो टाइप करते हैं, उसको विभिन्न प्रकार के प्रोसेसिंग वर्ड्स पे अपन कर सकते हैं। उसके बाद में स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल में क्या होता है, विभिन्न टेबल बना सकते हैं। और जो पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में अलग अलग प्रकार के जो प्रेजेंटेशन है वो अपन यहाँ से बना सकते हैं, तो इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अब क्या, जो ऊपर ये जितना सिलेबस दिया गया है ये सारा दोनों लेवल में सेम है, जो ऊपर सिलेबस दिया है ये दोनों लेवल में सेम है। इसके बाद में जो ग्रेजुएशन लेवल वाला सिलेबस है उसमें जो दो टॉपिक हैं वो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसमें दो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। पहला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो हार्डवेयर क्या होता है, जो कंपोनेंट्स हमको दिखाई देते हैं, मतलब कंप्यूटर के जो उपकरण हमें दिखाई देते हैं सारे हार्डवेयर में आते हैं, और जो कंप्यूटर में प्रोग्राम डले हुए रहते हैं या फिर जो एप्लीकेशन डले हुए होते हैं उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, और उसके बाद में दोनों में आपस में क्या संबंध होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। और अगला जो टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे अपना जो कंप्यूटर होता है या फिर जो लैपटॉप होता है उसमें जो विंडो डली हुई होती है, जैसे विंडो 7 है, विंडो XP है, विंडो 10 है, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के अपना कंप्यूटर है वो काम नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो ये दो जो CET है उसका कंप्यूटर का सिलेबस है, जिसमें कि जो ग्रेजुएशन लेवल और जो ट्वेल्थ लेवल दोनों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, सिलेबस है जो कंप्यूटर का दोनों के बारे में दिया गया है। उसके बाद में ऊपर जो ये टॉपिक दिए हुए हैं ये सारे टॉपिक है वो दोनों में सेम है,
मतलब सीनियर सेकेंडरी लेवल और ग्रेजुएशन लेवल में सेम है। उसके बाद में जो नीचे दो टॉपिक और दिए गए हैं, ये दोनों टॉपिक है वो सिर्फ सीनियर सेकेंडरी वाला सिलेबस है। मतलब सॉरी, ये जो नीचे वाले दो टॉपिक हैं, ये सिर्फ जो ग्रेजुएशन वाला सिलेबस है उसी के अंदर ये दिए गए हैं। तो ये जो सिलेबस है यहाँ, जिसको ये अपन एक के बाद एक क्लास के अंदर है वो आगे से पढ़ते रहेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में पढ़ेंगे इनको, कि इनसे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बन सकते हैं, और पहले के जो एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो भी अपन देखने की कोशिश है वो करेंगे। तो जो सिलेबस है ये चाहिए आप किसी को भी, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड है वो कर सकते हो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।